अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, वो ट्रेन से उतरते वक्त फिसल गया था और थोड़ी सी चोट लग गई है, वो ठीक हो जाएगी। राजू तुम सफर में थक गए होगे, चलो पहले हाथ मुंह धोकर आओ। राजू 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 उन्हें अंदर लेकर जाओ। हाँ जाओ ना जी। मैं राजू के लिए कुछ, वो सब तुम्हें बाद में बताता हूँ, जाओ। दत्ता दत्ता तू कुत्ता बन गया है, तू गिरा हुआ है, नीच है तू, हैं? अरे वो लोग बेचारे तुम्हें सुधारने के लिए बेटा बनाकर लाए हैं, हैं? और तुम यहाँ पर आकर वही पुरानी चाल उनकी दौलत पे नजर गड़ा रहे हो। देखो देखो ये महल जैसा घर है, कभी पहले ऐसे घर में रहा है तू? नहीं नहीं कभी नहीं रहा है। लेकिन क्या करूं, यहाँ आने के बाद उस लड़की ची 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 चेन उड़ाने की कोशिश की, ऐसा उल्टा सुलटा काम नहीं करूंगा। ए चुप चुप, ए बंद करो चुप। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? क्या राजू तुम भी मुझे आप कहते हो, काव्या करके बुलाओ ना। देखिए काव्या जी, दरअसल मुझे अपना कपड़ा बदलना है, अगर आप। राजू आपको कुछ भी चाहिए तो मुझसे कहिएगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप मेहरबानी करके यहाँ से जाएंगी तो। ओके बाय। भगवान तूने मेरी इज्जत बचा ली। राजू जब तुम छोटे थे ना, अमूल बेबी की तरह कोल मटोल हुआ करते थे, अब तुम बिल्कुल ही मैन लगते हो।